चौक में आओ, पब्लिक के बीच बकाराज भट्टी की तरह शुपयन में घूमे, पुलवामा में घूमे। कश्मीर में कोई 500 रुपए के लिए काम नहीं कर रहा है, कश्मीर में सभी अमन की बहस के लिए काम कर रहे हैं। जाके देख कश्मीरी मेरे भाई तेरी क्या हालत कर रहे, जा तेरा फल मंडवाने की बात कर रहे, जा देख बुझ के फंसाया था आप जैसे सिस्टम ने, आप जैसे लोगों ने जो लोग सत्ता की दलाली करते हैं जम्मू कश्मीर में, मुखबरियां करते हैं। ठीक है, अब रही मेरी, मेरे एक्टिविज्म का तू चैलेंज क्या करेगा, जिसके एक्टिविज्म में उसने अपने घर का सब कुछ खो दिया है। हमारे लिए जम्मू कश्मीर को जोड़ना हमारा नया कश्मीर है, हम चाहते हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उस पार कश्मीर, ये सारा एक हो जाए, ये मेरा मकसद है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति ना करूंगा, ना ही जम्मू कश्मीर में किसी को 500 रुपए में करने दूंगा। तो जम्मू कश्मीर की पहचान के लिए लड़ता हूं, लड़ता था, लड़ता रहूंगा, जिसके लिए मैं 4 बार जेल गया हूं। पहले मुझे यह बंदा बताए कि मैं किस एजेंसी का हूं। मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए जेल गए हो, मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करने के लिए जेल गए हो। अरे यार मेरे पास, आई हैव द डोसियर, क्या आज तक जेल नहीं गया है? मैं जेल में गया हूं, इसी हिंदुस्तान की, इसी भारत की अदालतों ने जिन चीजों में मैं जेल में गया हूं डिस्चार्ज करके फाइलों को कचरे में फेंक दिया है। ठीक है, मतलब मैं बेगुनाह था, जानबूझ के फंसाया था, आप जैसे सिस्टम ने, आप जैसे लोगों ने जो लोग सत्ता की दलाली करते हैं जम्मू कश्मीर में, मुखबरियां करते हैं। ठीक है, उसी बात करता हूं मुझे, अरे मेरी बात तो सुन भाई, मेरी बात सुन। अब रही मेरी, मेरे एक्टिविज्म का तू चैलेंज क्या करेगा, जिसके एक्टिविज्म में उसने अपने घर का सब कुछ खो दिया है। मेरे भाई मारा गया है, मेरे भाई को 25 गोलियां लगी हैं, मेरे पड़ोस में मेरे अंकल की 200 हड्डियां 1990 में मिली थी, 200 हड्डियां इंसान की एक एक हड्डी करके मिली थी जंगलों से। मेरे पड़ोस में 3 लड़कियों की गर्दन काट दी थी, मेरे पड़ोस के हिंदुओं के घर जला दिए थे, 8 हिंदू कत्ल कर दिए थे, उनकी फिल्म में जगह नहीं मिली। तो इसलिए मुझे तुम लोगों से सीखना नहीं है कि कौन कश्मीर पक्ष है, कौन जम्मू कश्मीर के खिलाफ है। हाँ, मैं जम्मू कश्मीर का खिलाफ उसको बोलता हूँ, वो जम्मू कश्मीर का दुश्मन है, वो जम्मू कश्मीर का दुश्मन था और रहेगा, जो जम्मू कश्मीर की पहचान के खिलाफ है, जो जम्मू कश्मीर को तोड़ने की बात करता है, जो जम्मू कश्मीर को इत्तेहाद नहीं, जम्मू कश्मीर को टुकड़ों में बांटने की कोशिश करता है, जो हो रहा है और उसको प्रमोट करता है, और फिर वो नया कश्मीर का नहरा मारता है। नया कश्मीर इनके लिए जम्मू कश्मीर तोड़ना है, हमारे लिए जम्मू कश्मीर को जोड़ना हमारा नया कश्मीर है। हम चाहते हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उस पार कश्मीर, ये सारा एक हो जाए, ये मेरा मकसद है। मेरा मकसद है पूरे जम्मू कश्मीर को एक गुलदस्ता बनाना, क्योंकि गुलदस्ते में एक भी फूल अगर वहां से निकाल दोगे तो गुलदस्ता खूबसूरत नहीं लगेगा। मैं हर गुलदस्ते में हर फूल को जोड़ना चाहता हूं, उसमें हिंदू भी है, सिख भी है, क्रिश्चियन भी है, मुस्लिम भी है, हर एक है। लेकिन मैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति ना करूंगा, ना ही जम्मू कश्मीर में किसी को 500 रुपए में करने दूंगा। अगर जो 500 में सिक्योरिटी में घूमने वाले कश्मीर में एक्टिविस्ट बोलते हैं, तो पहले अपनी सिक्योरिटी विड्रॉ करें और पब्लिक के बीच बकाराज भट्टी की तरह शुपयन में घूमे, पुलवामा में घूमे, उन जंगलों में जहां पुलिस भी मुझे नहीं कुछ कहेगी, जहां मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। जावेद जवाब देंगे, वकार जावेद, एक तो 500 रुपए बार बार आप कह रहे हैं जावेद, अब 500 रुपए वाले का भी जवाब दे, हमें भी नहीं पता है। दूसरा, आप सिक्योरिटी के बीच में घूम रहे हैं, उसका भी जवाब दे। क्या होता है तारिक साहब, ये मेरे दोस्त जो है वकार साहब जो है, उनके होटलों में बैठे 20-20 गाड़ी सिक्योरिटी गार्ड लेकर बेचारे 300 लेके, जिनकी औकात खुद 5 रुपए नहीं होती, वो 40,000 वाला पुलिस वाला लेके 4-4, 5-5 पुलिस वाले लेके घूमता है। यार देखो क्या बेचो, हमारी मुसीबत है कि उन पुलिस की कोई औकात ही नहीं कश्मीर में। भाई इसका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा है, आप 2 मिनट चुपचाप बैठो। जिस होने का उस वक्त कश्मीरियों ने पैसे दिए, तो कश्मीर 500 रुपए के लिए काम नहीं कर रहा है, कश्मीरियों ने ही पैसे दिए थे, तुमने रुपए किए जब तुमने ड्रामा किया था कैंसर का ड्रामा जब किया था, मैंने भी अपनी तरफ से थोड़ा सा किया था, उन कश्मीरी लोगों ने ही तुम्हें पैसे दिए थे, उन कश्मीरी टुकड़ों ने ही तुम कश्मीर में कोई 500 रुपए के लिए काम नहीं कर रहा है, कश्मीर में सभी अमन की बहस के लिए काम कर रहे हैं। तुम्हारे जैसे लोग नहीं समझ सकते हैं, तुम्हारे जैसे लोग एक 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 कम्युनिटी में रहते हैं, लेकिन बाकी सारे कम्युनिटीज बाकी सारी मजहबों को नफरत करते हैं। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही आज हमारे कश्मीर में जो हालात पैदा हो गए, 90 में तुम्हारे जैसे ही लोग थे, तुम्हारे लोग 90 में कश्मीर में, लंदन से बात कर रहा हूँ क्या मैं, पाकिस्तान से शर्मिंदा होना पड़ता है, 90 में थे,
तुम्हारे जैसे लोगों ने कश्मीरी पंडित को मारा और कश्मीरी मुसलमानों को मारा, तुम्हारे जैसे लोग क्या हालत तेरी कर रही है, जाके देख कश्मीरी मेरे भाई तेरी क्या हालत कर रहे, जा तेरा सर मंडवाने की बात कर रहे, जा देख मैं कश्मीर का हूँ, मुझे पता है तुम कश्मीर क्यों आते हो, किस एजेंडा के लिए आते हो, नागपुर का बेटा बन के कश्मीर का प्रोपेगेंडा, एक वो लड़की भी इधर बैठी हुई है वो शादी करके इधर आई चिल्ला रही, और पहले और नेशनल मीडिया पर वो रहती थी और आजकल वो बुर्का पहन के आती है कहती है मैं भी कश्मीरी हूँ। तुम्हारे जैसे लोगों को दो पैसे सिर्फ खून का धंधा करने से मिलते हैं, इस शख्स ने तो कैंसर का नाटक किया था सोशल मीडिया पे, फिर क्राउड फंडिंग की उसी में चल रहा है, क्राउड फंडिंग की अपनी आवाम से ली, तेरे बाप के बैंक से जाके नहीं निकाले, कश्मीर पे तुम इल्जाम लगा रहे हो 500 रुपए के लिए, वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बने हैं।